लोकसभा में आज का दिन महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर आज शाम 4 बजे लोकसभा में जवाब देंगे। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में विपक्ष के सवालों के धो धो कर जवाब दिए। सुबह राहुल गांधी ने सरकार को घेरा तो शाम को अमित शाह ने मणिपुर मामले में एक एक सवाल के जवाब संसद में दिए। उन्होंने विपक्ष के गठबंधन इंडिया और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। वहीं पीएम भी अब विपक्ष के द्वारा उठाए गए एक एक सवाल का जवाब देंगे। हालांकि ये तय है कि लोकसभा में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव बुरी तरह से गिरेगा। पीएम मोदी मणिपुर हिंसा पर लेकर अब जवाब देंगे। मोदी अपने कार्यकाल में दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देने वाले हैं। हालांकि एक दिन पूर्व अमित शाह ने दिया संसद में विपक्ष को जवाब, बोले 700 लोगों के मरने पर भी नहीं गए थे नरसिम्हा राव। विपक्ष के सवालों के शाह ने दिया था एक एक जवाब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब। पीएम मोदी मणिपुर हिंसा पर विश्वास प्रस्ताव पर देंगे जवाब। मोदी अपने कार्यकाल में दूसरी बार अधिवक्ता प्रस्ताव पर जवाब देंगे। विपक्ष के सवालों के शाह ने दिया था एक एक कर जवाब। लोकसभा चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ दिल्ली से संवाददाता ज्योति सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। ज्योति, लोकसभा में पीएम मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे, जहां पर अगर बात यहां पर अमित शाह की जाए तो कल उन्होंने एक एक करके विपक्ष को जवाब दिए थे। पीएम मोदी आज जवाब देने वाले हैं, क्या कुछ सदन की अगर बात की जाए कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल दीपिका, देखिए आज अविश्वास प्रस्ताव पर आखिरी और तीसरा दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को करीब 4:30 बजे जवाब देंगे अविश्वास प्रस्ताव पर। इसके बाद देखिए वोटिंग हो सकती है और बहुमत के लिए सदन में देखिए मौजूद सदस्यों की अगर हम बात करें तो 50% से एक अधिक होना चाहिए, उसके बाद ही जो है सत्ता पक्ष की जो है देखिए जीत हो सकती है। और वहीं देखिए आज सदन की बात करें तो सबसे पहले देखिए जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया, उनकी तरफ से अधीर रंजन चौधरी अपनी तरफ बात रखेंगे। उसके बाद सत्ता पक्ष से ज्योतिरादित्य सिंधिया, निर्मला सीतारमण और उसके बाद देखिए जो असदुद्दीन ओवैसी है वो अपनी बात रखेंगे, महुआ मोइत्रा। लोकसभा में आज ये पांचों लोग सबसे पहले बोलेंगे और उसके बाद अंत में करीब 4:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर अपना जवाब देंगे और उसके बाद देखिए वोटिंग होगी। अब वोटिंग की बात करें दीपिका तो भाजपा की लोकसभा में 303 सदस्य हैं, सहयोगी पार्टियों को मिलाकर अगर हम आंकड़े की बात करें तो वो आंकड़ा 333 हो जाता है। वाईएसआर, बीजेडी और टीडीपी ने अपना समर्थन का वादा किया हुआ है पीएम मोदी को और इसके साथ ही कांग्रेस के बात करें तो 51 सदस्य हैं और इंडिया गठबंधन को मिलाकर अगर हम लोकसभा सांसदों की बात करें लोकसभा में इस आंकड़े की विपक्षी गठबंधन की तो 143 होती है ये संख्या। यानी कि देखिए कुल मिलाकर हम बात करें तो कहा 143 और कहा 303। अकेले हम एनडीए की बात करें, बीजेपी की बात करें तो 303 सदस्य लोकसभा में है। वहीं देखिए मोदी सरकार के खिलाफ ये दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है, इससे पहले देखिए 2018 में लाया गया था और करीब 12 घंटे की चर्चा लोकसभा में हुई थी जिसमें पीएम मोदी को बात करें तो देखिए 325 पिछली बार वोट मिले थे जबकि विपक्ष को 126 वोट मिले थे और अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। पहले प्रस्ताव की बात करें तो देखिए 1963 में आया था लेकिन अभी तक अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्षी की पार्टियों की बात करें
तो अभी तक कहीं पर भी जीत मिलती हुई जो है विपक्षी पार्टियों को नहीं दिखाई दी है। जिस भी सरकार के खिलाफ लाया गया हो वो सरकार ने बहुमत के साथ अपना पक्ष रखा है। देखिए अब इस बार भी क्योंकि आंकड़ा साफ है किस तरीके से विपक्षी सांसदों का जो आंकड़ा है और जो सत्ता पक्ष का जो आंकड़ा है वो पूरी तरीके से साफ है, और यहाँ विपक्ष पार्टी कहता हुआ भी दिखाई दे रहा है कि मकसद अविश्वास प्रस्ताव लाने का सिर्फ इतना है ताकि वो मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी से जवाब मांग सके। आप देखिए आज क्योंकि आखिरी दिन है इस बहस का, पीएम मोदी को जवाब देना है, यानी कि आज भी पूरे दिन भर संसद के अंदर गतिरोध देखने को मिल सकता है और बहस भी जमकर हो सकती है, क्योंकि कल की बात करें तो अमित शाह जिस तरीके से बिना नाम लिए राहुल गांधी पर भड़कते हुए दिखाई दिए, जिस तरीके से उन्होंने उनको पतंज कसा, और राहुल गांधी के वो फ्लाइंग किस वाले मैटर को लेकर भी जिस तरीके से पूरे दिन भर संसद के अंदर गतिरोध देखने को मिला, और आज भी जाहिर तौर पर देखे दीपिका ये देखने को मिल सकता है। और निगाहें अब सबकी इसी पर टिकी हुई है कि पीएम मोदी का बयान क्या होता है, क्या वो अपने बयान में विपक्षी के एक एक नेता पर तंज कसते हुए दिखाई देंगे, तो इन तमाम तस्वीरों पर देखे सबकी निगाहें टिकी हुई है दीपिका। चलिए ज्योति बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।